केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 में हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सोडियम कार्बोनेट का। हमने 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है, जिसका फाइनल वॉल्यूम हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब रखना है। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम कार्बोनेट का, जिसकी मोलरिटी 0.1 m होनी चाहिए। तो हमें अपरेटस चाहिए, उनमें बीकर शामिल है, बीकर के अलावा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, स्टीरर चाहिए, इसके अलावा फनल चाहिए, फनल के अलावा वॉच क्लास के अलावा हमें मैयरिंग फ्लास्क चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब की, टॉप लोडिंग बैलेंस चाहिए और स्पैचुला चाहिए। केमिकल्स जो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर हैं, उन केमिकल्स में सबसे पहले डिस्टिल वाटर, ठीक है, और सेकेंड में हमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो चाहिए सॉलिड फॉर्म में। आज के एक्सपेरिमेंट के अपरेटस और केमिकल डिस्कस कर लिए हमने। एक बार फिर हम अपरेटस डिस्कस कर लेते हैं। हमें बीकर चाहिए, फनल चाहिए, मैयरिंग फ्लास्क चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ग्लास रोड या स्टीरर चाहिए, इसके अलावा हमें जो है वो फिजिकल बैलेंस चाहिए, और फिजिकल बैलेंस के अलावा हमें वॉच क्लास चाहिए, और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में जो अवेलेबल है वो हमें चाहिए, ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। प्रोसीजर में सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस में हमने सोडियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है उसका हमने मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने ग्राम में सोडियम कार्बोनेट का मैस फाइंड आउट करना है कि कितना मैस हमें सोडियम कार्बोनेट का चाहिए कि हम सॉल्यूशन बना सके जिसकी मोलरिटी 0.1 m हो और जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो। हमें मैस चाहिए सोडियम कार्बोनेट का ग्राम में। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मोलरिटी का जो हमारे पास रिलेशन है, फॉर्मूला है, वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास सेकेंड जो फॉर्मूला आएगा मोलरिटी का वो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। सो चूंकि हमने सोडियम कार्बोनेट का मैस फाइंड करना है ग्राम में, सोल्यूट है सोडियम कार्बोनेट, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है मोलरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हमने मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइड हो रहा है इक्वल के साइड पे, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये क्या हो जाएंगे, मोलरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब हम जो है देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है। मोलरिटी हमें पता है 0.1 m मोलरिटी है, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने पता करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब भी हमने पता करना है। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम जो है वो दो एटम्स है, ठीक है। एक सोडियम का मास 23 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि दो सोडियम है, कार्बन एक ही है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम पर मोल। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 106 ग्राम पर मोल आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, हमने इसे डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हमने निकाला था मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, इसमें अब हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इस रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मोलरिटी हमारे पास जो है वो 0.1 m है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी हमने जो है वो फाइंड आउट किया है जो कि हमारे पास कितना आया था
106 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था 0.1 डेसीमीटर क्यूब। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम आ जाएगा, और जो कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से 1.06 ग्राम। सो बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है उसका हमें 1.06 ग्राम मेजर करना है, और उसमें टोटल इतना डिस्टिल वाटर डालना है कि टोटल वॉल्यूम मेकअप जो है वो हो जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी होगी 0.1 m। तो सोडियम कार्बोनेट का हमने मैच जो है वो मेजर कर लिया है मेजरिंग बैलेंस से 1.06 ग्राम, ठीक है। और इसको हमने मेजर करने के बाद अब आप देखें बीकर में मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया है डिस्टिल वाटर, इसमें ये 1.06 ग्राम हमने डाल देना है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसको अच्छे से स्टर करना है ग्लास रोड की मदद से, बिल्कुल अच्छे से करना है ताकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल अनडिजॉल्व फॉर्म में ना रहे, ठीक है। अब ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें फनल डालनी है, और फनल में फनल के जरिए हमने जो है वो सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट 1.06 ग्राम डाला है वो हमने इस फनल के जरिए इस मेजरिंग फ्लास्क जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है इसमें डालना है, ठीक है। सो अब ये डाल दिए, अब आपने अच्छे से सारा जो है वो सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है, ठीक है। और फिर आपने डिस्टिल वाटर जो है वो ऐड करना है, और डिस्टिल वाटर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप देखें जो हमारे पास लेवल आया है वो हमारे पास मार्क जो है उससे नीचे है, तो हमने ये जो लेवल है ये मार्क तक लेकर आना है सॉल्यूशन का लेवल, ठीक है। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे ताकि हमारे पास एक्यूरेट वॉल्यूम आए। तो अब आप देखें ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने डिस्टिल वाटर ऐड करना है। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट मार्क तक जो है वो सॉल्यूशन का लेवल आ चुका है। सो अब आपने इसे अच्छे से क्लोज करके इसको हिलाना है, ठीक है, और एग्जामिनर को चेक करवाना है। सो ये हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, इसका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 m। और इसको हमने किस तरह प्रिपेयर किया, हमने 1.06 ग्राम जो है उसमें इतना डिस्टिल वाटर डाला कि टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। आज हमने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसकी मोलैरिटी 0.1 m और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने कैसे प्रिपेयर किया है